नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल अबोंग किचन टेल्स। मैं हूं अर्पिता। तो आज मेरे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी मोका पेस्ट्री। डार्क चॉकलेट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कॉफी फ्लेवर होगा इस पेस्ट्री में और ये ना बहुत ही मॉइस्ट बनेगा। जिनको केक बनाना काफ़ी मुश्किल लगते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी ताकि आप घर में परफेक्टली ये पेस्ट्री बना सके। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले केक बैटर रेडी करेंगे। तो एक बोल में आधा कप गुनगुना गर्म दूध डालेंगे और इसमें देंगे एक टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। कोई भी ब्रांड का आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मार्केट पे 2 रुपए वाला जो पाउच पैकेट आते हैं ना, वो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें डालेंगे 2/3 कप चीनी, यानी 1/3 कप 2 बार आप मेजर करके चीनी डाल सकते हैं। पहले इसे पीस के पाउडर शुगर बना लेंगे, ये देखिए। और अब डालेंगे 2 अंडा। अगर आप एक ग्लेज बनाना चाहते हैं तो अंडे की जगह 1/2 कप दही यूज़ कीजिएगा। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल। कोई भी ब्रांड का आप अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल मत दीजिएगा। और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद एक बोल में इसे डालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आई थिंक केक बैटर बनाने में ये सबसे आसान तरीका है। बस मिक्सिंग जार में डालिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए और बन जाएगा बैटर। और देंगे इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस फ्लेवर के लिए। मिक्स करना है इसे और एक छन्नी रखेंगे। इसमें देंगे 3/4 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, वैसे ये डच प्रोसेस कोको पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। अब इसे छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोको पाउडर या मैदा का जो गुठलिया है ना, वो केक बैटर में रह जाएगा। छानने के बाद अब स्पैचुला लेके अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए मिक्सिंग हो गया है। अब इसमें डालेंगे कॉफ़ी दूध का जो मिक्सचर बना था ना, वो अच्छे से मिलाने के बाद ये रेडी हो गया बैटर। अब इसे मोल्डिंग करना है। तो मोल्डिंग करने के लिए मैं यह 7-inch साइज स्क्वायर शेप केक मोल्ड यूज़ किया। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगाया। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट कर सकते हैं। और बैटर मोल्ड पे डालने के बाद मोल्ड को ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि अंदर में जितने सारे एयर बबल्स हैं वो निकल जाए, नहीं तो केक बन जाने के बाद ये एयर बबल्स के ना बहुत सारे गड्ढे बन जाएगा केक में। और इसे आप कढ़ाई में या फिर माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पे दिया है, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और अब चलिए मोका क्रीम रेडी करते हैं। तो एक बोल में 3/4 कप व्हिप क्रीम लेंगे और ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और ऐसे लिक्विड फॉर्मेशन में ही होनी चाहिए। और ये नॉन डेयरी स्वीटेंड व्हिप क्रीम है तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसे अच्छे से बीट करना है, स्टीप पीक आने तक इसे बीट करेंगे। और बीच में देंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर दे सकते हैं। और अब ये देखिए बीट हो गया है, स्टिप पीक आ गया है, इसका मतलब बीट अच्छे से हो गया है। और ये 40 मिनट बाद ये अच्छे से बेक हो गया है, ये देखिए। और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही डिमोल्ड कीजिएगा, नहीं तो केक टूट सकते हैं, ठीक तरह से डिमोल्ड नहीं होगा। और ये देखिए कितनी अच्छे से बेक हो गया है ना, अच्छे से फूल गए हैं। चलिए फटाफट इसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए फटाफट इसे लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो अनइवन पोर्शन है वो हटाते हैं और हटाने के बाद इसे 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। आप चाहे तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जितने लेयर्स आप चाहते हैं उतने लेयर पर आप डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चलिए अब इसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ केक मॉइस्ट करने के लिए मैं दूध में कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मैंने यूज़ किया ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं कॉफ़ी का तो 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मिला सकते हैं।
और ये असेंबल करने के टाइम केक की हर एक लेयर अच्छी तरह से कोने कोने तक मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो सिंपल शुगर सिरप से भी मॉइस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप दूध में कॉफ़ी और गनाश मिक्स करके केक मॉइस्ट करेंगे तो केक की टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये लेयर्स असेंबल हो जाने के बाद ये आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये केक और क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। और आधे घंटे बाद ये केक साइड से थोड़ा ट्रिम कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पर ट्रिम करने से ना ये पेस्ट्री ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये ट्रिम करने के बाद केक की डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ चार पार्ट में डिवाइड किया। आप चाहे तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद टॉप लेयर पे क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम ऐसे ना लगा के नोजल से थोड़ा पैटर्न बनाया है, आप अपना मनपसंद के कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। और ऊपर थोड़ा चॉकलेट वर्मिसिली स्प्रिंकल कर देंगे। चॉकलेट वर्मिसिली नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट बार क्रश करके भी दे सकते हैं, या फिर चॉको चिप्स दे सकते हैं, डेयरी मिल्क शॉट्स दे सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो बन गया है बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी मोका पेस्ट्री, है ना? कितना आसान तरीका। ये पेस्ट्री सबके फेवरेट होते हैं। अब ये घर पे बना के देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। @abongkitchentales ये है इंस्टाग्राम अकाउंट की यूजर ID। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, और आने वाले ऐसे बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी मी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।